तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की कुछ वैकेंसी निकली हुई है TGT और PGT की, जो आप तक अपडेट करना है। ठीक है, अगर आप एलिजिबल है, इंटरेस्टेड हैं, तो ज़रूर अप्लाई करें। देखिए, हम सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। बस मेरा मकसद ये है कि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, अगर आप जॉब ढूंढ रहे या फिर आप जॉब करना चाह रहे टीचिंग का। ठीक है, तो अगर आप झारखंड से हैं तभी वीडियो को देखें। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपके निकली हुई है 16 जनवरी 2023 को। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले बात कर लें कि लास्ट डेट कब तक है फॉर्म भरने का। तो लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने का 25 जनवरी तक। इस बात को ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी 5 बजे तक लास्ट। ठीक, ये आपका फॉर्म होगा इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करके फॉर्म को फिल करके आपको बाय पोस्ट भेजना है। एड्रेस भी यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा आराम से, तो आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को कुछ दिया गया है, मतलब TGT और PGT में कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आप आवेदन कर सकते हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आए हुए हैं। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ज्योग्राफी, सभी के लिए। तो और देखा जाए आपका TGT में टोटल है आपका 41 पोस्ट और PGT में टोटल है आपका 26 पोस्ट। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। हाँ, जो PGT के लिए जो अप्लाई करने वाले हैं उनका PG में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, और जो अनुसूचित जनजाति के उनका 45%, और साथ में आपका BEd का डिग्री। ठीक है, और दूसरा आपका TGT के लिए चाहिए आपको 45% मार्क्स ग्रेजुएशन, उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 40% मार्क्स। ठीक है, और BEd का डिग्री इसमें भी चाहिए, TGT एंड PGT दोनों में। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं एज का बात कर ले। एज जो होगा आपका मिनिमम 21 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 55 होना चाहिए। इसका आकलन 21/12/2022 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, आप इस डेट के हिसाब से अपना एज को अनुमान लगाइए। आप अगर 21 और 55 के बीच है तभी अप्लाई करिए। आरक्षण यहाँ कुछ दिया गया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, उतना पढ़ने जाएंगे तो फिर मेरा भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए, इसका ऑफिशियल वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड करिए, PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन तो ऊपर आपके लिए है ही। देखिए, चौथे नंबर पर क्या है कि आपको जो सैलरी है PGT और TGT को कितने कितने मिलने वाले हैं। PGT को आपका सैलरी मिलेगा 27,500 और TGT को मिलेगा आपको 26,250 रुपये। ठीक है, हाँ, इसका और एक चीज़ है कि सरकार ये आप जब तक कहीं गवर्नमेंट टीचर नहीं बन जाते, ठीक है, या फिर कहीं सरकार जब तक वैकेंसी नहीं निकालती तब तक आप ये करते रहेंगे, आपको सरकार हटाएगी नहीं। ठीक है, और उसके बाद दिया गया कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। पाँचवें छठे नंबर पे इसमें आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब हाँ, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया है आपका जो फॉर्म दिया गया उसको डाउनलोड करना, भरना है, उसको बाय पोस्ट करना है। ठीक है, लास्ट डेट है 25/1/2023। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग डेट देख लीजिएगा, अन्यथा देखिए डेट पार हो चुका फिर आप लोग भेज रहे हो, वेस्ट होगा आपका मनी और टाइम दोनों। तो आप डेट अगर इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तभी भेजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। ठीक है, आप एड्रेस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, हाँ, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है https gumla.nic.in, इस पे जाइए,
आपको इसका पीडीएफ और इसका फॉर्म दोनों मिल जाएगा, ठीक है। और भरने के लिए कुछ पैसे भी लग रहे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप अगर अनुसूचित जनजाति है तो आपको 50 रुपया, या फिर आप अगर ऐसे हैं तो फिर आपको लगेगा 100 रुपीज़, ठीक है। जो क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट यानी बैंकर चेक जो बनाने होंगे, ठीक है, तो ये बैंक से आपका आसानी से बन जाता है, कोई भी बैंक से, इसमें कोई आपका इशू नहीं है। जाइए बैंक डिमांड क्राफ्ट बना के दीजिए और लोग उसमें चेक देगा, आप लोग उसी मतलब लिफाफे के अंदर डाल के दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा इतना। अगर आप जॉब अपडेट्स रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के जॉब हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।